अक्सर नए यूट्यूबर्स ये तीन गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो यूट्यूब पर जो है कामयाब नहीं हो पाते, ना ही वो व्यूज़ हासिल कर पाते हैं, शायद ही किसी यूट्यूबर ने आपको बताया हो। आज मैं आपको तीन गलतियां बताऊंगा और आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो इससे पहले आप जो है कल का विनर देख सकते हैं, इसका मैंने लिंक जो है कम्युनिटी टैब में दे दिया है और जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आप जो है विनर आना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा और प्यारा सा कमेंट करना होगा। अगर आपका फर्स्ट कमेंट होगा तो मैं उसको पिन करके आपका मुफ्त में चैनल चेक करूंगा। अगर आप विनर आएंगे तो आपका कम्युनिटी टैब में जो है चैनल दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको तीन गलतियां बताता हूं और तीन गलतियों के साथ जो है आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो सबसे पहली जो फर्स्ट मिस्टेक होती है वो ये होती है कि नए यूट्यूबर्स क्या करते हैं, सब्सक्राइबर और जो है वॉच टाइम खरीद करने के लिए जो है परचेस कर लेते हैं, जिससे उनका चैनल जो है डेड हो जाता है और फ्रीज हो जाता है, फिर जो है उन पर व्यूज ही नहीं आ रहे होते हैं। वो देखते हैं कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, हम कहीं से भी वॉच टाइम बाय कर लेंगे तो हमारा चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा और हमारे पास लाखों तक जो है हम कमाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता दोस्तों, आपको ये मिस्टेक कभी भी नहीं करनी। ना ही किसी से आपको जो है वॉच टाइम लेना है, ना ही आपको सब्सक्राइबर किसी से लेने हैं, आपको जेन्युइन तरीके से लेने हैं। उसके लिए आपको जो है लोगों को दिलों में जो है आपको कंटेंट बिठाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको व्यूज मिलेंगे। सेकंड मिस्टेक, डोंट ब्रेक द कंसिस्टेंसी। नए यूट्यूबर्स क्या करते हैं, जब भी यूट्यूब पर आते हैं तो वो देखते हैं कि आज हमने वीडियो अपलोड की, हमारे वीडियो पर व्यूज नहीं आए, तो फिर वो क्या करते हैं, दो दिन अपलोड करने के बाद जो है वो तीसरे दिन जो है अपलोड करते ही नहीं है। फिर वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि आज मैं अपलोड नहीं करूंगा, दूसरे दिन मैं अपलोड करूंगा, क्या ही फर्क पड़ेगा। इससे दो बड़े जो है इम्पैक्ट पड़ते हैं, वो ये है कि फर्स्ट नंबर पर तो लोग जो है इसको देखना छोड़ देते हैं, और इसके अलावा वो देखते हैं कि भाई ये तो सीरियस ही बंदा नहीं है और ना ही जो है कंटेंट डेली बेसिस पर अपलोड कर रहा है। इसके अलावा यूट्यूब क्या करता है, इंप्रेशन भेजना ही छोड़ देता है लोगों तक। इससे क्या हो जाता है कि आपका वे चैनल जो है डेड होता जाता है, क्योंकि लोगों के पास जो है आपका जाएगा ही नहीं, इंप्रेशन ही नहीं जा पाएगा, तो आपकी वीडियो पर व्यूज कैसे आएंगे। दोस्तों ये आपको सेकंड नंबर वाली गलती भी नहीं करनी, और थर्ड वाली तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये गलती आप कर रहे हैं तो आपको मिस्टेक छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर रेगुलर काम करेंगे तो आपकी वीडियो पर व्यूज आना शुरू हो जाएंगे, फिर आपको कभी भी व्यूज की दिक्कत नहीं होगी। मिस्टेक नंबर 3, डोंट मेक अ मिक्स कंटेंट। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर यूट्यूबर कर रहे होते हैं और उनके पता ही नहीं होता कि हम क्या बना रहे हैं और लोगों को क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी मैं जो ये चैनल चेक कर रहा हूँ फ्री में लोगों के, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा लोगों को मना भी करता हूँ और उनके कमेंट भी करता हूँ कि भाई आप मिक्स कॉन्टेंट कभी भी ना बनाएं, क्योंकि अगर आप मिक्स कॉन्टेंट बनाएंगे तो लोगों को आप जो है भटका रहे हैं, मतलब कि आप क्या वैल्यू दे रहे हैं, उनको क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं। अगर आपकी वीडियो पर एक पर आपके व्यूज़ आ गए और लोग दूसरी वीडियो को देखेंगे नहीं, क्योंकि आप दूसरी वीडियो कुछ और ही बना रहे हैं, तो इससे आपकी वीडियो जो है डेड हो जाएगी, आपका चैनल ही डेड हो जाएगा। इसलिए मैं आपको जो है मना भी करता हूं और नए यूट्यूबर्स को भी मैं सख्ती से मना करूंगा कि कभी भी आप जो है मिक्स कॉन्टेंट ना बनाएं। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि मिक्स कॉन्टेंट क्या होता है, वो ये होता है कि अगर आप जो है आज कुकिंग में बना रहे हैं, फिर आप कल जो है व्लॉगिंग में बना रहे हैं, फिर उसके अलावा आप जो है कल टेक पे बना रहे हैं, तो इससे क्या होता है, लोगों के जो है माइंड है वो डाइवर्ज हो जाते हैं। लोग देखते हैं ये एक नीच पर काम ही नहीं कर रहा, जिससे आपको सही से व्यूज़ मिल ही नहीं पाते। तो YouTube का एल्गोरिथम क्या करता है, YouTube का एल्गोरिथम आपकी वीडियो को जो है आगे भेजना छोड़ देता है। आपको क्या करना होगा, एक ही नीच के अंदर रहकर जो है आपको काम करना होगा। मतलब कि अगर आपका जो है कुकिंग का चैनल है तो आपको कुकिंग से रिलेटेड ही वीडियोज अपलोड करनी है। इसके अलावा आपको जो है किसी और जो है चैनल के अकॉर्डिंग आपको कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि नए यूट्यूबर्स जो है क्या करते हैं, अक्सर देखते हैं कि लोगों के दूसरे लोगों के व्यूज़ देखकर जो है खुद परेशान हो जाते हैं, देखते हैं कि यार इस कैटेगरी में अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं फिर दूसरे पर दिन जो है उस पर वीडियो बना देते हैं, और ये गलती नहीं करनी होती, क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक। दोस्तों अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हैं तो आपको ये तीन मिस्टेक नहीं करनी होगी। मैं चाहता हूँ कि आपको सपोर्ट करूँ, आप लोगों को आगे बढ़ाऊँ, क्योंकि ये चैनल मैंने सिर्फ ही आप लोगों को ग्रो कराने के लिए बनाया, क्योंकि मैं दूसरे चैनल से मैं अर्निंग कर रहा हूँ, तो ये चैनल सिर्फ आपको ग्रो कराने के लिए बनाया है। दोस्तों अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।